और आप ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं, और आप ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। सिमरन, घर की बहू होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक धागे में पिरोकर इस घर को एक बनाकर रखे। लेकिन माफ कीजिएगा सिमरन, अगर ये घर फिर से टूटता है तो उसकी वजह आप होंगी। चीज अमृता मेरी फ्रेंड, एक्चुअली हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और मैंने इसे इंडिया स्पेशली इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए बुलाया। नैना के साथ इनकी किस तरह की डील हुई है क्या तुमने देखी? नहीं, और ना ही मुझे देखना है। बाबूजी ने उस नैना को एग्रीमेंट रेडी करने को बोला है और ना जाने उसने एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा। बस बाबूजी ने बिना पढ़े उसे साइन कर दिया। भाई, ये उनका पर्सनल मैटर है और हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। नहीं करता, लेकिन वो नैना अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आ गई और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रही। मतलब? हाँ, वो कोई अमृता नाम की लड़की है, अभी अभी यूएसए मैनेजमेंट करके आई है और कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। पता नहीं भाऊजी इस प्रोजेक्ट में भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे। वो बाऊजी का प्रोजेक्ट है और वो किसे इन्वॉल्व करते हैं किसे नहीं हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर पड़ता था, इसमें हमारे भी पैसे इन्वॉल्व हैं। पर जितने ज्यादा लोग आएंगे सबकी ईगो क्लैश हो सकती है, इससे प्रोजेक्ट को नुकसान। भाई तुम अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना, बाकी सब बाऊजी देख लेंगे। नहीं ताना, हम यहाँ ये सब करने नहीं आए। और शिखर, अपना किसी को गार्जियन बनने नहीं दे सकते और बाऊजी की मैं सारी शर्तें इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इस पीछे हमारा कोई मकसद है और वो तुम अच्छे से जानो। और वो नैना अक्कू की तरह बहुत स्मार्ट है, उससे हमें अलर्ट रहना। तो भाई रहेंगे ना, अब जिस तरह से मैंने सिमरन की उंगली पकड़ी हुई है तुम भी रणबीर या ईशान का हाथ थाम लो और फिर देखना हमें इस घर से और इस ऑफिस से कोई नहीं निकाल पाएगा। सही कह रही हो। तो फिर अब जल्दी से अपना मूड फ्रेश करो और वापस ऑफिस जाओ। और हाँ, बस इतना याद रखना कि हमें जो करना है वो हम करेंगे और हमें ऐसा करने से कोई ये नैना और उसकी फ्रेंड अमृता कोई रोक सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, अब आप जा ही रहे हो तो मुझे रास्ते में घर ड्रॉप कर देना। सुखी, आ जाएगा फोन, उसे पहुंचने तो दे। पर परचाई जी, अब तक वो पहुंच चुकी होगी, उसने फोन क्यों नहीं किया अभी तक पहुंच के? सुखी, हमारी अक्कू बहुत समझदार है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह समझती है। उसे भी पता है कि उसकी माँ बेचैन हो रही होगी, पहुंचते ही फोन कर देगी। आप सही कह रहे परचाई जी, एक बार उसका फोन आ जाए कि वो ठीक ठाक पहुंच गई है मुझे तसल्ली मिल जाएगी। तेरे बिना कैसी होंगी? मन तो कर रहा है कि तुझे ना मैं अभी यहां पर बुला दूं। अच्छा रुक, पहले तू मम्मी जी से बात करा। अक्कू, मामा आप सुन रही हैं ना? मामा अक्कू, हाँ पुत्र, हाँ सुन रही हूं मैं। मम्मा मैं अच्छी तरह से पहुंच गई हूँ, आप फिक्र ना करें। कैसे नहीं करोगे पुत्र, जब तक तू वापस नहीं आ जाती हर पल मुझे तेरी फिक्र लगी रहेगी। मम्मा आप ऐसे करेंगी ना तो मैं वापस आ जाऊंगी। अपनी मम्मा को हट करके नहीं करनी मुझे कोई भी पढ़ाई। नहीं नहीं पुत्र, मैं नहीं रोऊंगी पुत्र।
तू अपना ख्याल रखना। ठीक है मामा, आप मामी जी को फोन दीजिए। हाँ अभी देती हूँ। मामी जी प्लीज आप मामा का ख्याल रखिए। हेलो। हाँ कुपुत्र, तू ठीक से पहुंच गई ना? मामी जी प्लीज आप मामा का ख्याल रखिए। पुत्र तू बिल्कुल चिंता मत कर है, तू तो बस एक काम करना, बिना चूके ना अपनी माँ को दिन में 2 बार फोन कर लिया करना, ठीक है ना? ठीक। मम्मी जी अगर आप ऐसा करेंगी ना तो मैं सच कह रही हूँ, अक्कू को मैं फोन कर दूंगी। और आपको पता है ना कि फिर वो क्या करेगी? परछाई जी जब ईशान गया था इतना सुनापन तो तब भी नहीं लगा था, अक्कू के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे घर की रौनक ही चली गई है। हर पल उसकी बातों को याद करके रोती हूं, उसका रोटना मनाना फिर मुझे डांटना, और जब मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे मनाना, मम्मा ये मत करो, मम्मा आपको ये करना पड़ेगा। जब तक घर पे रहती थी मेरा पल्लू एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। सुखी ईशान नहीं था तो रणबीर था ना तेरे पास, अब अक्कू गई है तो सिमरन तो है तेरे पास ना? हाँ मम्मी जी, और अब जब तक अक्कू नहीं आती ना मैं भी आपका ये पल्लू नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही थी, हमारा फोन कंटिन्यूअसली बिजी आ रहा है। वो मैं अक्कू से बात कर रही थी ना इसलिए। अक्कू पहुंच गई? हाँ पहुंच गई, और तभी उसने मुझे कॉल कर लिया, मम्मी जी से बात करवा रही थी। ओहो तो आप भी आई हुई है। वैसे एक बात पूछूं, आजकल ईशान जी तो ऑफिस जाने लगे हैं तो तुम उससे वहीं जाकर क्यों नहीं मिली थी? आई मीन यहाँ घर में तुम्हारा क्या काम है? माफ करना नहीं, लेकिन तान्या ईशान जी की दोस्त, वो कब और कहाँ उनसे मिलने जाती है मुझे नहीं लगता कि इस बात पर तुम्हें कोई हर्ज होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ सिमरन, तान्या ईशान की दोस्त है तो जहाँ वो है तो ये वहीं जाकर मिले ना। इसे अच्छी तरह पता है कि ईशान ऑफिस में है तो बार बार घर आने का क्या मतलब? इस घर में कौन कब और किससे मिलने आता है मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर तुम्हें कोई एतराज हो। आई थिंक ये सिमरन है ना? यस। सिमरन मैं जानती हूँ नैना को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन घर के कुछ लोगों को भी तो एतराज है ना? ओ सॉरी मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना भूल गई, ये अमृता है मेरी फ्रेंड, अभी अभी यूएस से आई है, मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करेगी। अमृता ये सिमरन है और ये तान्या। आप यहाँ क्या करने आई हैं? नैना की दोस्त है ना तो नैना के घर जाकर मिलो। तान्या तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घर मेरा है, यहां मेरा बचपन बीता है, और जितना हक मेरा इस घर पे है ना उतना तो सिमरन का भी नहीं। क्यों सिमरन सही कह रही हूं ना?
नैना, सिमरन इस घर की बहू है, हमें तो ऐतराज इस तानिया से है ना, मुझसे बात कर। तानिया, अगर अक्कू चली गई है ना तो तुम ये मत समझ कि चाची जी अकेली हो गई। चाची जी मेरी माँ जैसी है और जैसा तुमसे अक्कू कहती थी ना वैसा ही आज मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी तुम? Listen Anna, neither you're my friend and nor my enemy. तो तुम क्यों बीच में अपने दांव पेश लगा रही हो? मेरा मतलब आग से ज्यादा तो खेतली गरम है। और मेरे इस घर में आने से ना ही इन घर वालों को कोई एतराज था और ना ही अक्कू को। तो तुम ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहती हो? और नैना, एक बात याद रखना कि जब तक मैं इस घर में तब तक तान्या को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। सही कहा तुमने सिमरन। नैना, तुम भी बेवजह बातों को तुल देती हो। सिमरन खुद ही इसे घर पे लेकर आई तो कौन रोके थे? ना मामी जी रोक पाई, ना अक्कू रोक पाई और ना ही चाची जी। तो तुम कौन होती हो रुकने वाली? सिमरन, तुम बार बार इसे घर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलतियों का खामियाजा ईशान और उसके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। देखो नैना, मेरे जीते जी इस परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती। और रही बात तान्या की तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और हाँ नैना, अगर तुम ये सोचकर बैठी हो कि तुम मुझे इस घर से और ईशान की लाइफ से दूर कर दोगी तो मेरा तुम्हें ये चैलेंज है। तुम कोशिश कर कर तो देखो। कोशिश नहीं, करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा रहा। और हाँ तानिया, अगर तुम्हारे साथ सिमरन है और आज मेरे साथ अक्कू यहाँ नहीं है तो ये मत समझ लो कि मैं चुप बैठ जाऊं। और हाँ, मेरा साथ देने के लिए अमृता आ गई। और एक बात, अमृता अपना काम पूरा करे ना, लेकिन अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करे। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो जो जिम्मेदारियां मैंने आपको सौंपी थी आप बखूबी निभा रहे हो। खास तौर पर शिखर, तुम्हारा वो डेटाबेस तो हमें बहुत ही काम आ रहा है। थैंक्स बाबूजी। और बाबूजी, चड्ढा जी ने उनके फाइनल ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट्स में कुछ दो तीन करेक्शंस किए हैं, वो हमने उनको मेल कर दिए हैं और जैसी कोई एक राय कायम होगी हम एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे। वेरी गुड चड्ढा जी। थैंक यू सर। सर, वो उत्तराखंड वाली जमीन की मैंने इंक्वायरी कर ली, कोई बड़ा इशू नहीं, आप चाहें तो डील आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो और भी अच्छी खबर है चड्ढा जी। है? सर, आपने जो कॉस्टिंग निकालने के लिए कहा था तो हमारी टीम अलग अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से उसके डिजाइन बना के उसकी कॉस्टिंग निकाल रही है। आई होप कि मैं आपको वो रिपोर्ट एक दो दिन में दे दूंगा। गुड श्रीवास्तव जी, उसके लिए अगर आप चाहें तो ईशान और शिखर की भी हेल्प ले सकते हैं। श्योर सर। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपका कोई काम पेंडिंग जो मुझसे रिलेटेड हो, मेरे कुछ सिग्नेचर लेने हो तो ले लीजिए,
क्योंकि दुबई वाली कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स मैसूरी आए हुए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आमने सामने अगर बात होगी तो बातें काफी क्लियर हो जाती हैं, और मैं उत्तराखंड वाली जमीन के बारे में भी बात करूं। बाबू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और काम में भी तेजी आ जाएगी। सर अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चले चलूं, क्योंकि वैसे भी जमीन के मामले में मुझे वहां जाना ही है, और इसी बहाने दुबई की टीम से मेरी ऑफिशियल मीटिंग भी हो जाएगी। नहीं श्रीवास्तव, आप मेरे साथ मत जाइए, क्योंकि वो लोग यहाँ छुट्टियों में आए, मैं भी उनसे कैजुअली मिलूंगा। अगर आप वहां मेरे साथ जाएंगे तो उनको ये मैसेज जाएगा कि उनकी छुट्टियों में भी हमने अपना ऑफिशियल काम डाल दिया, जो उनको पसंद नहीं आया। ये सर मैं जानता हूँ, ठीक है मैं बाद में चला जाऊंगा। मैंने जिसके लिए बुलाया था वो बातें पूरी हो चुकी हैं, मेरी तरफ से मीटिंग ओवर है, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना अपना अपना काम करिए। ठीक है बाबू, ठीक है बाबूजी। तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। और हां तानिया, अगर तुम्हारे साथ सिमरन है और आज मेरे साथ अक्कू यहां नहीं है तो ये मत समझना कि मैं चुप रह। तुम्हें नैना की बात का बुरा लगा? देखो उसकी भी गलती नहीं, उसके सामने तुम्हारी इमेज ही ऐसी बनाई गई है, बट डोंट वरी, कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सिमरन, और उसके तेवर देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो वो है वो दिखती नहीं, और जो वो दिखती है वो है नहीं। वैसे ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी कई बार आ चुका है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि वो ताया जी की बेटी, मम्मी जी की परवरिश, फिर भला वो ऐसी कैसे हो सकती है? हरसिमरन, तुम्हें नहीं लगता कि बाऊजी ने उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करके गलती की है? और तो और रणवीर और ईशान भी इस बात से एग्री हो गए, और शिखर की तो कोई सुनता नहीं। वो इसलिए तानी क्योंकि वो ताया जी की बेटी, और ताया जी की बात इस घर में कोई नहीं कर। आई नो सिमरन, अब ताया जी की बेटी है, लेकिन ताया जी जैसे जेंटलमैन और सुलझे हुए इंसान है वो उनकी बेटी कहीं से नहीं लगती। वो इसलिए तान्या क्योंकि वो तुम्हारी खिलाफत कर रही है, तुमसे ऐसा बिहेवियर कर रही है। नहीं सिमरन, मेरे अगेंस्ट तो अक्कू और मम्मी जी भी है ना, पर क्या कभी मैंने उनके बारे में ऐसा कहा? अब तुम ही बताओ कि बाऊजी ने उसको बिजनेस में पार्टनर बनाया तो पार्टनर बनकर खुद काम करने की वजह उस अमृता को बुलाने की क्या जरूरत थी?
ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे भी खटक है कि अमृता को बुलाने का क्या मतलब है? मतलब साफ है सिमरन कि उससे किसी पर भरोसा नहीं है, और ये बात आज नहीं तो कल रणवीर, ईशान, पावजी सबको समझ में आ जाएगी। नहीं दानी, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नैना चाहे कैसी भी हो लेकिन इस घर के हर एक सदस्य पर आंखें मूंद कर भरोसा करती है। उस परिवार और इस परिवार में बहुत अटूट रिश्ता है। सिमरन, भले ही मुझ में तुम्हारे जितनी समझ नहीं है पर अब जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब वो बाऊजी और थाया जी का जमाना नहीं रहा जब इंसान को इंसानियत की कद्र होती थी। अब उनके जैसी समझ और उनके जैसा अपनापन ईशान और रणवीर में भी नहीं है। नैना में कहां से होगा? मैं कुछ समझी नहीं। ईगो, काम करते करते साथ साथ कहीं ना कहीं किसी बात पर अगर ईगो क्लैश हो गई तो बिजनेस तो खराब होगा ही, साथ ही साथ रिश्तों में भी खटास आ जाएगी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं शिखर के साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकती थी? पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भले ही ईशान के साथ नहीं पर अगर किसी बात पर रणवीर से कोई बहस हो जाती तो होता ना बिजनेस खराब। हाँ, वैसे ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। मैं ईशान जी और रणवीर जी से एक बार इस बारे में बात जरूर करूँ, और उस अमृता पर भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर काम करने आई है। ये तो मेरे लिए मुश्किल है कानी, क्योंकि मैं ऑफिस जा नहीं सकती और रणवीर जी को बता नहीं सकती। तुम एक काम करो, शिखर को कहो वो अमृता पर नजर रखेगा, देखते आगे क्या होता है। वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि वो तान्या के इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जहाँ भी उसे देखती है वहाँ जानबूझकर पहुँच जाती है और उसे जानबूझकर प्रोवोक करती है ताकि उसका और तान्या का झगड़ा हो। वो तो तान्या है जिसने अपने आप को बदल लिया है, वरना अगर पहले वाली तान्या होती तो न जाने क्या हो जाता।